जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपकी पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जन चार राशि के जातक के 5 फरवरी तक रिश्ते तय होने के योग हैं और नवरात्रि शिवरात्रि तक उनकी शादी के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। और यह जानकारी आपको मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के आधार पर बताऊंगा। इसके अलावा ऐसे जो जातक जो प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। वहीं आपको अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो आपको शीघ्र विवाह के भी उपाय बताऊंगा। इसके अलावा विवाह से पूर्व किन बातों का ध्यान करना चाहिए विवाह हेतु, यानी किस नक्षत्र में, किस दिन, किस महीने में और किन राशि में सूर्य के गोचर के दौरान विवाह करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगा। अगर यह जानकारी आप स्मरण रखते हैं और अपने विवाह रिश्ता इन तिथियों, इन मुहूर्तों, इन महीनों और इन राशियों में सूर्य देव के गोचर के दौरान करते हैं तो यकीन जानिए, अगर आपकी स्वयं की शादी है तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। वहीं अगर आप अपने बच्चे की विवाह हेतु रिश्ता तय कर रहे हैं या उनका विवाह करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुखमय बीतेगा, तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं आपको बता दी कि अगर आप अपने जातक यानी बेटे या बेटी की जन्म कुंडली विवाह हेतु बनवाना चाहते हैं, आसान शब्दों में कहें अगर आप विवाह कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं बता दूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और विवाह संबंध की पूरी जानकारी प्राप्त कर तक सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। महादशा, अंतरदशा, योग, स्वभाव, वैवाहिक जीवन, कैरियर, किस वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, किन बीमारियों का आपको खतरा है, क्या सावधानियां जीवन में रखनी है, ये तमाम तरह की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर आपको मैंने बता दिया है, एक बार और दोहरा देता हूं 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है या आप विवाहित हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो अब आप एक बार अपने स्थानीय पंडित और ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, या फिर आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं। इससे आपको वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का पता चल जाएगा, दूसरी शादी के बारे में भी पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप विवाह तय हो चुका है आपका तो आपके विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। कई अवसर पर ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कई अवसर पर ऐसा भी होता है कि उन्हें एक दूसरे से अलग रहना पड़ता है या फिर भी एक दूसरे से अलग होकर अपने जीवन को नया आयाम देते हैं। तो क्या आपके जीवन में कुछ ऐसा संयोग बन रहा है, इस तरह की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो बिजली की दो तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है, गलत तार जुड़ जाए तो जोड़ का झटका लगता है, ये झटके लगते ही रहते हैं, इसमें कमी नहीं आती है। इसके लिए जातक अरेंज मैरिज के बदले लव मैरिज अधिक करना पसंद करते हैं। आधुनिक समय में
हर कोई अपने लाइफ में व्यस्त है, प्रेम प्रसंग में रत है। कई ऐसे जातक भी हैं जो माता पिता की अनुमति के बिना विवाह के इच्छुक नहीं होते हैं, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने माता पिता की सहमति अवश्य लें। वहीं कई ऐसे जातक हैं जो माता पिता को मना भी लेते हैं, कई ऐसे जातक है जो माता पिता को मनाने में असफल होते हैं, तो आप निराश बिल्कुल ना हो क्योंकि ऊपर वाले की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी और आप जहां भी रहेंगे स्वस्थ और सुखी अवश्य ही रहेंगे। तो लव मैरिज का ट्रेंड वर्तमान समय में बढ़ा है, हर कोई लव मैरिज को अधिक तवज्जो देते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, इसके चलते उनके बीच अनबन नहीं होगी। लेकिन माता पिता की सहमति से विवाह करना भी गलत नहीं होता है, उनके फैसले भी कई बार सही होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसी जातक के जीवन में कठिनाइयां आती है, तो ऐसा नारी दोष और भकुर दोष के चलते होता है। तो लव मैरिज के जो कारक होते हैं वो मंगल देव हैं, राहु हैं, केतु हैं और शनि देव। इन ग्रहों के चलते लव मैरिज के योग बनते हैं और इन ग्रहों के चलते ही लव मैरिज के संयोग नहीं बन पाते। तो आज इसी क्रम में आपको मंगल के राशि परिवर्तन से जिन चार राशि के जातक के 5 फरवरी तक शादी होने के योग, यानी कि शादी फिक्स होने के योग हैं, विवाह होने के योग हैं और उनकी शादी शिवरात्रि तक होने के योग है, उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेष से लेकर मीन की राशि के जो भी जातक हैं वो शीघ्र विवाह के लिए क्या करें। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपने जो है भगवान हनुमान की पूजा करनी, हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं वृषभ राशि के जो भी जातक हैं वो जो है कन्या का पूजन कर सकते हैं हर शुक्रवार के दिन और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उन्हें जो मैं सलाह दूंगा कि आप भगवान गणेश जी के दर्शन करें एवं गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि के जातक शिव जी की पूजा उपासना करें, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करें। सिंह राशि के जातक सूर्य दर्शन करें एवं आदित्य सौहृदय स्त्रोतम का पाठ करें। वहीं कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि आप भगवान गणेश जी की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। तुला राशि के जो भी जातक हैं वो जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि के जो भी जातक हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग का नाम उच्चारण कर सकते हैं और हनुमान जी के भी दर्शन आप अवश्य करें। धनु राशि के जो जातक हैं वो भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, देव गुरु बृहस्पति के निमित्त जो है गुरुवार का व्रत रखें। मकर राशि के जातक भगवान शिव की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जो जातक हैं वो शिव जी की पूजा उपासना करें, माता पार्वती के संग भगवान शिव की पूजा आराधना उपासना कर सकते हैं। वहीं मीन राशि के जातक भगवान विष्णु की पूजा करें, धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप रोजाना कम से कम एक माला अवश्य करें। आइए मैं आपको शुभ समय, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न राशि, शुभ तारा, शुभ राशियां, शुभ नक्षत्र, शुभ करण और शुभ योग बता। तो विवाह के लिए मंगलवार के दिन का चयन भूल कर भी ना करें। शास्त्रों में मंगलवार के दिन विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई है अथवा निषेध है, तो आप मंगलवार के दिन का चयन बिल्कुल ना करें। विवाह के लिए उत्तम दिन दो दिन है, वो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार है। मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन का चयन ना करें तो बेहतर होगा। तिथियों की बात करें तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी शुभ मानी जाती है। मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त और गोधली बेला सबसे शुभ माना जाता है। शुभ लग्न राशि की बात करें तो मिथुन, कन्या और तुला है। शुभ तारा की बात करें तो गुरु और शुक्र का उदय रहना बहुत जरूरी है। सूर्य भ्रमण की बात करें तो मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि में सूर्य का गोचर, सूर्य का भ्रमण अनिवार्य है। शुभ नक्षत्र की बात करें रोहिणी, मृगसरा, मघा, उत्तर फागनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, उत्तर साढ़ा, उत्तर भाद्रपद, रेवती आदि शुभ नक्षत्र हैं। शुभ करण की बात करें तो बाबा, करणी, कौलव, तेतला, गारो, वनिजा, करण, बाबा यानी बब। शुभ योग की बात करें तो प्रीति योग, सौभाग्य योग, हर्षण योग, ये शुभ योग हैं। सौभाग्य योग में विवाह करना
बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ प्राथमिक जानकारी दी है। अब मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी दे दूं तो मंगल देव जो है राशि परिवर्तन कर वर्तमान समय में धनु राशि में विराजमान है और 5 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे और 5 फरवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 38 दिनों तक रहेंगे और फिर 15 मार्च को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के चलते जो है जिन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो धनु राशि के जातक में मंगल का गोचर होगा तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि वर्तमान समय मिथुन राशि के जातक के विवाह के 100% योग हैं, क्योंकि गुरु भी जो है आपके एकादश भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है या उपस्थिति रहती है तो उस दौरान जातक की शादी के योग 100% रहते हैं। तो मिथुन राशि के जातक इसमें शीर्ष पर शामिल है। इसके अलावा तुला राशि के जातक, चूंकि गुरु का गोचर हो रखा है मेष राशि में और तुला राशि के जातक के सप्तम भाव को जो है गुरु देख रहे हैं तो तुला राशि के जातक के लिए भी शुभ योग वर्तमान समय में बन रहा है। वहीं वर्तमान समय में सूर्य भी जो है धनु राशि में गोचर कर रखा है तो मिथुन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शुभ योग है वर्तमान समय में। 15 जनवरी तक जो है आपके रिश्ते तय होने के योग हैं। इसके पश्चात जब थर्मास समाप्त होगा तो शुभ योग बनेगा, क्योंकि उस समय जो है सूर्य धनु राशि से निकल कर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 1 महीने तक फिर मकर राशि में रहेंगे। तो कन्या राशि के वर्तमान समय में केतु के गोचर होने से और मीन राशि के राहु के गोचर होने से, इसके अलावा तुला राशि के जातक और मिथुन राशि के जातक, ये 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके 5 फरवरी तक शादी सगाई होने के योग हैं, रिश्ते तय होने के योग हैं। अगर किसी कारणवश 5 फरवरी तक विवाह नहीं होता है तो शिवरात्रि 8 मार्च तक आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर कोई दोष लगा है तो फिर आपके विवाह में बाधा आ सकती। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अगर आप दिशा दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, नाम अक्षर ज्ञात करना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको अवश्य ही जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।